भागलपुर में भोलानाथ फ्लाईओवर का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। आज भागलपुर जिला प्रशासन और रेलवे विभाग की ओर से भागलपुर बांका बौंसी रेल मार्ग पर बने बरसों पुराने बौंसी पुल को ध्वस्त किया गया। अधिकारियों की निगरानी में इस पुल को ध्वस्त किया गया। बता दें कि भागलपुर में भोलानाथ फ्लाईओवर की मांग बरसों से की जा रही थी, इसके बाद कुछ महीनों से निर्माण कार्य आरम्भ किया गया है। नवगछिया पुलिस जिला के गोपालपुर थाना क्षेत्र के कालूचक में स्कूली बच्चों को लाने और पहुंचाने वाली वैन में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। वैन से निजी स्कूल के छात्र छात्राओं को घर से स्कूल व स्कूल से घर लाया जाता था, जो वैन बच्चों सहित बिजली के पोल में ठोकर लगने से चिंगारी से कार में आग लग गई, जिसके बाद आग ने भयावह रूप ले लिया। आग लगने के बाद बगल के गेहूं के फसल में भी आग लगने से किसानों को परेशानी हुई। आग लगने पर ड्राइवर कार छोड़कर फरार हो गया। आन-फान में ग्रामीणों ने बच्चों को सकुशल बाहर निकाला और आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे और इसकी सूचना गोपालपुर थाना में मौजूद अग्निशमन के कर्मियों को दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक शराब के नशे में था। गोपालपुर थाने से फायर ब्रिगेड के चालक राकेश यादव, अग्निसिपाही रंजन कुमार व गृहरक्षक नंदकिशोर घटनास्थल पर पहुंचे व ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों की सूझबूझ से बड़ी घटना होते होते बच गई। श्री दिगंबर जैन समाज भागलपुर द्वारा भगवान महावीर की जयंती का महोत्सव धूमधाम से आयोजित किया गया। इसको लेकर शहर में शोभा यात्रा जुलूस प्रातः 8:30 बजे कोतवाली चौक जैन मंदिर से निकाली गई, जिसमें शहर के जैन समाज के दर्जनों लोग शामिल थे। महावीर जयंती के अवसर पर आज उन्हें 108 कलशों से महाभिषेक किया गया। श्री दिगंबर जैन समाज के सुनील जैन ने बताया कि महावीर जयंती पर पूजा पाठ के अलावे प्रसाद व भंडारा का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में देश के कई राज्यों से श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं, उनके रहने खाने की भी व्यवस्था की गई है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स बिहार टॉकीज रोड लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में एबी मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
चुनाव को लेकर एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता हर क्षेत्र में भ्रमण में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां महागठबंधन अपने प्रत्याशियों को जिताने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर एनडीए ने भी एक दांव नहीं छोड़ा है। अजय मंडल के लिए नीतीश कुमार भागलपुर में रोड शो करेंगे और जनता से एनडीए प्रत्याशी अजय मंडल को वोट देने की बात करेंगे। जानकारी बिहार के शिक्षा मंत्री ने दी। उन्होंने कहा, हम लोग भारी बहुमत से जीत रहे हैं। 19 तारीख के चुनाव में भी चारों सीट हमारे खाते में है और दूसरे चरण का चुनाव भी हम लोगों के ही खाते में रहेगा। जनता हम लोगों के पक्ष में है। हम लोग देश में 400 सीट पार करके रहेंगे और बिहार में 400 सीट पर चुनाव जीतेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, खास करके दो योजनाओं का तो जरूर नाम लेना चाहेंगे। जिस तरह से गरीबों के घर में 5-5 किलो अनाज हर एक व्यक्ति को पहुंचाया है, या आयुष्मान कार्ड के द्वारा 5 लाख के जो मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है गरीब परिवारों को, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ पर जिस तरह से समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है और जिस तरह से हमें संसाधन मुहैया कराए लोगों को, रोड, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा के समय में सभी का वो मदद करना, कोविड के समय में आपने देखा, बाढ़ के समय में देखा, सुखाड़ के समय में देखा, तो आपदा पीड़ित जो भी था उनकी मदद की गई। और माननीय मुख्यमंत्री जी का तो मानना है कि राज्य के खजाने पर जो समाज का अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसका हक है, तो इस तरह से विकास का हर काम हुआ है बिहार में। और हम समझते हैं कि जो हम लोगों ने अपील की है भागलपुर की जनता से, यहाँ के मतदाताओं से, वो लोग हमारी अपीलों को ज़रूर सुनेंगे। हमारे मीडिया प्रभारी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष मेहनत कर रहे हैं और स्वयं जो उम्मीदवार हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और पूरी एनडीए की टीम लगी हुई है, एक परिवार की तरह काम कर रही है। थोड़ा बहुत परिवार में ज़रूर हम इस बात को कहेंगे, कई जगह थोड़े बहुत मतभेद होते हैं, एक दूसरे से शिकायत होती है, लेकिन अंतोगत्वा परिवार एक है और एनडीए परिवार बिल्कुल मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। हालांकि भागलपुर में एक से बढ़कर एक ज्वेलरी शॉप है, लेकिन सेंको ज्वेलरी शॉप अपने आप में मायने रखता है। इस ज्वेलरी शॉप में एक से बढ़कर एक सोने, चांदी और हीरे के आभूषण हैं, जहां शुद्ध चांदी, सोने और हीरे के एक से बढ़कर एक आकर्षक डिजाइन में जेवरात मिलते हैं। यहां छोटे छोटे कार्यक्रम और बड़े से बड़े आयोजन के लिए कम से कम और अधिक से अधिक राशि वाले आभूषण आसानी से अच्छे डिजाइन में प्राप्त हो सकते हैं। आज सेंको ज्वेलरी शॉप की पहली वर्षगांठ मनाई गई। इससे पहले वर्षगांठ पर भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, पूर्व मेयर वीना यादव के अलावा दर्जनों शहर के गणमान्य शिक्षाविद, समाज सेवी, चिकित्सक उपस्थित थे। एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पहला एनिवर्सरी हमारा है, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने डायमंड के मेक चार्ज में फ्री रखा है हम लोगों ने, और गोल्ड में हम लोगों ने अप टू 35% का डिस्काउंट रखा है। लेकिन इस पूरे एक साल पूरे होने के लिए मैं पुनः सभी भागलपुर वासियों को धन्यवाद दूंगा, उनका भरपूर सहयोग मिला, उन लोगों ने हमारे सेंको के ब्रांड पर विश्वास किया और सेंको भी पूरे कोशिश किया कि हम उनके विश्वास में खड़ा उतरे। ये आपका 19 से लेकर के 23 तक है। आप मीडिया प्रभारी को और भागलपुर की सारी जनता को हम बहुत दिल से आभार करना चाहते हैं कि हम लोग को इतना प्यार मिला एक साल में, और कैसे दिन बीत गया पता ही नहीं चला, और आगे ही इसी तरह प्यार देते रहिए सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स को। थैंक यू। ग्राहक के लिए अभी ऑफर चल रहा है, गोल्ड पे मेकिंग चार्ज पे छूट है, डायमंड पे छूट है। सबसे पहले सेंको के जो ऑनर हैं संतोष जी और रेखा जी को, उनको मेरी बहुत बहुत बधाई और अनेक अनेक शुभकामनाएं। इन लोग इतने मेहनती हैं कि इनकी मेहनत और लगन की वजह से ये एक साल में सेंको और सेंको का पूरा परिवार इतना लगनशील है कि इस सेंको को बहुत ऊपर तक ले गए हैं लोग। और मैं अपने शहरवासियों को भी बताना चाहती हूँ कि इनकी गुणवत्ता और इनका जो एक शुद्धता है वो जांचा परखा हुआ है, आप लोग इसका लाभ उठाएं। और मैं इनको बहुत बधाई देती हूँ कि आप इतना मेहनत और इतना ईमानदारी से लगे हुए हैं,
आप एक प्रतिष्ठान से दो तीन चार प्रतिष्ठान बिहार में सब जगह आपका हो और पूरे इंडिया में हो, आपका ये सब जगह आपका जो नाम हो। और मैं फिर से इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि आप ईमानदारी पूर्वक और गुणवत्ता पूर्वक अपने काम में लगे रहिए और अपने जो ग्राहक आते हैं उनको संतुष्टि प्रदान करें। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर सरगर्मी काफी तेज है, जिसको लेकर हर पार्टी के वरीय नेता क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। वहीं भागलपुर में दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होना है, जिसको लेकर एक तरफ जहां एनडीए के प्रत्याशी अजय मंडल हैं, तो दूसरी ओर महागठबंधन के प्रत्याशी अजीत शर्मा है। आज एनडीए प्रत्याशी अजय मंडल को लेकर जनसभा का आयोजन किया गया। भागलपुर के नाथनगर के बहादुरपुर दुर्गा मंदिर के मैदान में एनडीए प्रत्याशी अजय मंडल के पक्ष में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जनसभा को संबोधित किया। एक तरफ जहां सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा, वहीं हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी जमकर महागठबंधन की कार्यशैली पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, भाजपा देश की सुरक्षा से लेकर कई मुद्दों पर काम कर रही है और महागठबंधन सिर्फ बहलाने फुसलाने का काम कर रही है। जनता इसका जवाब देगी और इस बार फिर से अजय मंडल को यहां के लोग भारी बहुमत से जिताएंगे। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है, पाकिस्तान की तरफ से एक चुटकिया बम भी हिंदुस्तान में फेंक दे, हिंदुस्तान के तरफ से तोप का गोला शुरू कर दिया जाता है और पाकिस्तानी को ठंडा कर दिया जाता है। ये है भारत, ये बदलता हुआ भारत है। इसलिए आप तमाम लोगों से आग्रह करने आए हैं, बहादुरपुर के लोगों से, नाथनगर के लोगों से, कि तरह सबके वोट मिलते हैं ना, पक्के ना। जहां 12वें स्थान पर 2014 में खड़े थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जब आपका आशीर्वाद मिला, आपने ताकत दिया, 14 में प्रधानमंत्री बनाया, 19 में प्रधानमंत्री बनाया, तो 12वें स्थान से उठाकर अमेरिका जो इंग्लैंड जिसने अंग्रेजों ने हमको 200 वर्षों तक राज किया, अंग्रेजों को हराकर हम 5वें स्थान पर पहुंचने का काम किए साथी। यह है विकास का किरण। और आज दुनिया में हम सबसे ज्यादा लोगों को गरीब कल्याण का काम करता रहे। और यदि कांग्रेस से मुक्त चाहते हैं तो अजय मंडल जी को तीर छाप के निशान पर वोट दीजिए, तो दीजिएगा ना आप लोग वोट। दोनों हाथ मुट्ठी बांधिए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ये चुनाव सीधे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब गया की मीटिंग में ये कह गए, तो हमारा आपका सबका फर्ज बनता है कि इस चुनाव को ये मान करके चलें, एक वोट हम देते हैं इससे हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री जी मजबूत होते हैं। इसलिए 26 तारीख को तीर छाप पर यहाँ बटन दबाकर अजय मंडल जी को आप अधिक से अधिक मतों से विजय बनावे, इसी निवेदन के लिए, इसी अपील के लिए यहाँ पर हम आए हुए हैं। भाइयों बहनों, एक बात सामने आती है कि आखिर नरेंद्र मोदी जी में क्या है, नीतीश कुमार जी में क्या है, ये डबल इंजन की सरकार में क्या है कि हम उनको वोट दें, उनके पक्ष में वोट दें। तो इस समय में हम ये कहना चाहते हैं मेरे भाइयों बहनों, 10 वर्ष के समय काल में नरेंद्र मोदी जी ने देश को उस ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया है जिस ऊंचाई पर आज भारत को कोई नहीं पहुंचा सका था। का जो लोकसभा का चुनाव है, देश का दिशा हमें एक अच्छे देश के विकास में ले जाना है, इसीलिए हमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करना है और उनके हम पोस्टमैन बनकर आप लोगों से आपका संदेश लेकर माननीय प्रधानमंत्री को पहुंचाना है, यही कहने में आया हूं। और हम एनडीए की सरकार में, डबल इंजन के सरकार में, आप लोग जानते ही हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय
का विकास का रास्ता और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का न्याय के साथ विकास, ये दोनों ने बिहार नहीं पूरे देश के दिशा को बदल दिया है, देश के विकास को बदल दिया है। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा आप अपने लिए, माननीय प्रधानमंत्री के लिए, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के लिए और मेरे लिए भी तीख छाप कर बदल दबा कर 26 तारीख को अपना बहुमूल्य मत देकर विजयी बनाने, यही आपसे आग्रह अनुरोध है। इतना ही बात का अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की।